दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या फिर साउथ इंडस्ट्री, हर जगह का अपना एक बेस्ट एक्टर है। पर अगर बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार की, तो उसमें अभिनेता सनी देओल का नाम तो होता ही है। तो वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री में भी अभिनेता यश का नाम जरूर शुमार होता है, जिन्होंने अपनी अदाकारी और डायलॉग बाजी से लाखों करोड़ों दर्शकों का दिल जीता और अपनी इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई, जिस वजह से आज इन दोनों ने दर्शकों से खूब सारी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। लेकिन दोस्तों, यूं तो ये दोनों ही काफी सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं और करोड़ों के मालिक बन चुके हैं, मगर क्या आपको पता है कि इन दोनों में से किसने सबसे ज्यादा मूवीज कर दर्शकों की पॉपुलैरिटी हासिल की और किसके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन दोनों की इन सब चीजों में कंपैरिजन करके एंड में विजेता का नाम बताएंगे। मगर उससे पहले आप अपने फेवरेट एक्टर के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने डायलॉग डायकिलों के हाथ से फेमस हुए अभिनेता सनी देओल से। तो बता दें, इन्होंने साल 1983 में फिल्म बेताब से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसके बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक कई सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें इंडियन, गदर और विश्वात्मा जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं, जिन्होंने आखिरी बार फिल्म घायल वंस अगेन में काम किया था। तो वही बता दें, इन्होंने बेताब मूवी से शुरुआत करने के बाद टोटल आज तक 92 फिल्में की हैं, जिसमें माँ तुझे सलाम, फर्ज और अर्जुन पंडित जैसी फिल्में शामिल हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए इन फिल्मों में काम करके इन्होंने आज तक अपनी टोटल कितनी फैन फॉलोइंग बनाई, तो आपको बता दे इंस्टाग्राम पर इनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो वहीं फेसबुक पर इन्हें 2 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। मूवी के बाद अगर बात की जाए अभिनेता सनी देओल की प्रॉपर्टी के बारे में, तो आपको बता दे ये 249 करोड़ की संपत्ति के मालिक है, जिस वजह से इनका एक बेहद ही आलीशान घर है जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ है। इसके अलावा भी इनके पास कई सारे माउस है जिनकी कीमत 5 करोड़ है, जो कि बेहद ही खूबसूरत आलीशान है। साथ ही बता दे प्रॉपर्टी के अलावा इनके पास कई लग्जरियस कारें भी शामिल है, जिसमें रेंज रोवर, ओडी और बीएमडब्ल्यू जैसी कई लग्जरी गाड़ियां हैं, जिसकी कीमत लाखों में है। सनी देओल के बाद अगर बात की जाए साउथ इंडस्ट्री के फेमस एक्टर यश के बारे में, तो आपको बता दे इन्होंने साल 2007 में कन्नड़ फिल्म जान बड़ा हुद्दुकी से डेब्यू किया था, जिससे पहले भी इन्होंने टीवी शो उत्तरण में काम किया, जिसमें इनकी एक्टिंग और एक्शन को मेकर्स ने काफी ज्यादा पसंद किया था, जिसके चलते उन्होंने इन्हें कई और फिल्मों में काम देने का मौका दिया, जिसके बाद इन्होंने मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी, मास्टरपीस और रॉकी जैसी कई फिल्में की हैं। तो मैं आपको बता दे इन्होंने टोटल अब तक 29 फिल्में की है और जल्दी अपनी अपकमिंग फिल्म KGF चैप्टर 2 को लेकर आने वाले है। फिल्मों के बाद अगर बात की जाए इनकी फैन फॉलोइंग की, तो आपको बता दे इंस्टाग्राम पर इनके 5.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो वहीं फेसबुक पर इनके टोटल 2.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो इनकी एक्टिंग को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। फिल्म फैन फॉलोइंग के अलावा अगर बात की जाए अभिनेता यश की प्रॉपर्टी के बारे में, तो बता दे इन्होंने आज तक अपनी फिल्मों में काम करके करोड़ों से ज्यादा की कमाई की, जिसके चलते आज ये 50 करोड़ के मालिक बन चुके हैं, जिसके जरिए इन्होंने बैंगलोर में अपना एक घर बनाया जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ है, जिसे काफी एक्सपेंसिव और महंगी महंगी चीजों से डेकोरेट किया गया, जो कि दिखने में बेहद ही शानदार लगता है। प्रॉपर्टी के अलावा बता दे इनके पास कई लग्जरियस गाड़ियां भी हैं। इनके पास जैगुआर, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी कई गाड़ियां हैं, जिसकी कीमत लाखों में है। इस तरह से देखा जाए तो भले ही अभिनेता सनी देओल ने फिल्में ज्यादा की हो, लेकिन अभिनेता यश इन्हें प्रॉपर्टी और फैन फॉलोइंग के मामले में पीछे छोड़ते नजर आते हैं, जो इनसे आज काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं और नंबर 1 पर आते हैं। तो दोस्तों, आपको अभिनेता सनी देओल और यश के बारे में जानकर कैसा लगा? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।